बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में काम करने के बाद जिन्होंने लाखों दिलों में करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई है और आजकल वो लोगों के नींबू निचोड़ रही है एनटीवी के चर्चित शो हप्पू की उल्टन पलटन में। हमारे साथ हिमानी जी हैं। हिमानी जी कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। थैंक यू। अच्छा हिमानी जी, हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाहूंगा, 9 तारीख को नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि 9 तारीख को हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप लोग उपवास नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, देवी की पूजा करिए, देवी को प्रसन्न करिए, क्योंकि अगर देवी प्रसन्न हो गई तो आपके द्वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि देवी हमारे साथ एक शक्ति का रूप है, प्रकृति की शक्ति है, जो कि राक्षसों को, और आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राक्षस आपके अंदर भी होगा, जो अच्छाई पे बुराई की जीत जो कि हमारा है, चाहे वो राम जी ने रावण का वध किया हो, चाहे देवी ने दानवों का वध किया हो, वो अच्छाई की जीत है बुराई पर। तो हमको हमारी जो संस्कृति है वो प्रेरित करती है कि हम कैसे और भी अच्छे बने, हम और अपनी प्रगति करें, सिर्फ रिचेस से नहीं, पर आत्मा, हमारे यहाँ आत्मा की प्रगति भी बहुत मानी जाती है। और ये पवित्र समय होता है जहाँ लोग उपवास करते, उपवास नहीं करते, फलहार कीजिए, नहीं तो सिर्फ देवी का ध्यान कीजिए। और ये एक तरह से क्या होता है कि इट्स वेरी साइंटिफिक ऑल्सो, क्योंकि सीजन बदलता है तो आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज होती है, एकदम से इंटेंस गर्मी आ रही है सर्दी से, तो हमारे जितने भी त्यौहार हैं सब बड़े साइंटिफिक उनका बैकग्राउंड है। बिल्कुल। अच्छा, लोग उपवास करते हैं नवरात्र पर, तो लोग फ्रूट्स भी लेते हैं, कुछ चीजें बीच बीच में खाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, कुछ खाना चाहिए उनको, या फिर उपवास का मतलब होता है कि बिल्कुल आपने उपवास किया है? बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। नहीं, उपवास का मतलब है कि आपके उपवास सिर्फ आहार से नहीं आता, आपके विचार से भी आता है, तो विचार भी शुद्ध होने चाहिए। और उपवास तो एक्चुअली साइंटिफिकली भी आप इन्होंने प्रूव किया है, हमारे तो इसलिए वो होते थे कि अगर आप उपवास रखते हैं, बॉडी को स्टार्व करते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी जो मान लो टॉक्सिन्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, वो सब अपने आप जो बॉडी की हेल्दी सेल्स हैं वो उनको खा लेती हैं। तो उपवास बहुत ही लाभकारी है, लेकिन आजकल ये चल गई है डायबिटीज और ऐसी बीमारी, तो जो लोग नहीं उपवास रख सकते वो फलहार खा सकते हैं, या खाना खाइए, एक टाइम पर खाइए, या कुछ ऐसा करिए, लेकिन मैं ये तो आपके पर्सनल उस पर डिपेंड करता है, ये आप किसी को नहीं कह सकते कि भाई ना तू सिर्फ पानी पे जी, और जैन मुनि तो सिर्फ पानी के बिना भी जीते हैं, वो सिर्फ सूर्य की करने, वो मतलब वर्ल्ड के साइंटिस्ट चकित हो गए थे, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं वो उन्होंने अपने अंदर पैदा कर लिया कि वो सिर्फ बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं, वो इतने उनका 48 days का एक फास्ट होता है। तो फास्ट एक साइंटिफिक एक प्रक्रिया है, और आम लोग समझ नहीं पाते, तो ऋषि मुनियों ने उसमें धर्म का वो डाल दिया है, तो वो अपने आप में आपके बॉडी के लिए कहते हैं कि आप सप्ताह में एक बार फास्ट करें तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए। जी, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लाखों करोड़ों लोगों का दिल आपने जीता है, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपकी जर्नी की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, आप मतलब आपके जो फैंस हैं वो थोड़ा जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी शुरुआत एक्टिंग की कैसे हुई? मैं देहरादून की हूँ, वो पहले तो उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो उत्तराखंड का हो गया है, तो देहरादून में मैं पली बड़ी। देहरादून बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ियों की वादियों में है पहाड़ उत्तराखंड, क्योंकि मैं तो वहाँ मिस करते होगे आप काफी देहरादून बहुत, तभी तो मैं इस बॉम्बे में भी ऐसे एरिया में, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, प्रकृति, क्योंकि मैं पहाड़ों में पैदा हुई हूँ, तो प्रकृति से मुझे बहुत लगाव है, तो मिस तो बहुत करती हूँ। तो मेरी जो शुरुआत की मैंने नाटकों से की, स्कूल प्लेज में भाग लेती थी, और लेकिन उस टाइम आप कोई सोच ही नहीं सकते थे, मैं 40 साल की पहले बात करी, 40-50 साल कि उत्तर प्रदेश में कि कोई नाटकों में या फिल्मों में, और फिल्मों को बड़ा वैसा समझा जाता था कि भाई बुरी है, तो फिल्मों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे, पर नाटक में कोई अपना करियर बना सकता था, तो मैं पढ़ने में होशियार थी, और हमारे टाइम तो दो ही होते थे ऑल्टरनेटिव्स की, आजकल तो सब बच्चों के सामने इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमारे टाइम तो ये तो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस ले लेता था, और जो पढ़ने में थोड़ा पैदल होता था वो आर्ट और कॉमर्स ले लेता था, तो मैं होशियार थी, तो साइंस पढ़ती गई, मैंने सोचा था न्यूरोसर्जन या डॉक्टर बनूंगी, और नाटकों में भाग लेती रही मैंने
स्कूलिंग किया तुम स्कूल से, और फिर बीएससी किया, एमएससी किया। जब एमएससी कर रही थी तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कुछ लोग आए और वर्कशॉप ली, तब मुझे पता चला कि ऐसी एक संस्था है हमारे देश में जो आपको नाटक के बारे में ट्रेन करती है। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, मैंने कहा मैं एनएसडी जाऊंगी। और उसी दौरान मुझे एमएस अब्रॉड पढ़ाई में अच्छी थी तो अमेरिका की स्कॉलरशिप मिल गई। तो अब मैं वीज़ा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली में, और साथ में चुपके से मैंने एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया और घर में नहीं बताया। जब लेटर आया एनएसडी के सिलेक्शन का, तब मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भैया मैं तो अमेरिका नहीं जा रही हूँ, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जा रही हूँ। तो सब, और देहरादून छोटा सा शहर है, और छोटे शहर में क्या होता है, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और मेरा भी बड़ा नाम था कि भट्टी, मेरे पापा भी बहुत वेल नोन थे, राइटर थे और एकेडमिशियन थे, और बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे। तो कि भट्ट जी की लड़की, डॉक्टर हरिधर भट्ट शैलेश, तो भट्ट जी की लड़की बहुत होशियार है, पढ़ने में भी है, डांस करती थी, डिबेट करती थी, एक्टिंग नाटकों में मतलब, और अमेरिका जा रही है, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो जब उनको ये पता लगा कि तो नाटक में जा रही है, तो सपने का ही है भट्ट जी की नौनी, नौनी पहाड़ी में नौनी कहते हैं बेटी को, भट्ट जी की नौनी, तो भाई पागल हो गई, क्या कर रहे हो भट्ट जी, समझाओ इनको। तो मेरे सारे रिश्तेदार भी, और यूपी में तो सिर्फ नाटक का दो ही रूप मानते थे, या तो भांड या नौटंकी। तो मेरे सब रिश्तेदार बोल रहे क्या नौटंकी करेगी, भांडगिरी करेगी। तो पापा ने भी समझाने की कोशिश की, देखो बेटा अमेरिका चले जाओ, बाद में आके यू कैन परस्यू अगर आपका शौक हो। तो उस टाइम मैंने पापा से एक ही बात कही थी कि पापा अगर मैं 40 साल की हो रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन मेरे मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरा एक सपना था उसको मैंने फॉलो नहीं किया। और तब मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, ही वो ही थे जो मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि मैंने वो ना खुद राइटर थे और बड़े उनके उदारवादी थे, उनके विचार बड़े प्रगतिशील थे। तो वो मुझे ले गए एनएसडी, हालांकि उन्होंने आखिरी प्रयास फिर भी किया कि जो हमारे डायरेक्टर थे बीवी कारण जी, तो उनको बोला कि भाई इसको तो स्कॉलरशिप मिली, आप इसको समझाएं। तो कारण जी बड़े सीधे साधे थे, साउथ इंडियन थे, तो बोले वो टैलेंटेड है ना, आने दीजिए ना, आने दीजिए। तो फिर पापा मुझे दिल्ली छोड़कर, और इस तरह से मेरा करियर का शुरुआत हुआ नाटक में। और मैं फिल्म तो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे, नीना गुप्ता, आलोकनाथ, रत्ना और कई भी बहुत सारे सीनियर्स थे, वो तुरंत बम्बई चले जाते थे। लेकिन मैंने कहा नाटक करना, अब यूपी में जाके तो नाटक का कोई मतलब, आप आज भी वही स्थिति है कि आप नाटक से आजीविका कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक रेपेट्री कंपनी थी, तो उसको मैंने ज्वाइन किया 600 रुपए में। तो हम लोग पहले, तो ये 600 रुपए जो थी वो पहली आपकी कमाई थी या फिर? पहली कमाई थी, और नहीं उससे पहले भी स्कॉलरशिप मैंने, उसके बाद मैंने घर से पैसे नहीं लिए, क्योंकि बड़ी स्वाभिमानी थी कि मैंने कहा अपनी जिद से, मैंने कहा अपने ही बल पर मैं आगे जाऊंगी। तो हमको 250 की स्कॉलरशिप मिलती थी, तो उस पर मैं गुजारा करती थी 3 साल। और फिर मैंने रेपर्टरी में शुरू किया 600 रुपये जो कि पहली कमाई थी, और उसी में मतलब एक रेलवे क्वार्टर होते थे, उनको रेलवे क्वार्टर मिलते थे, उनको सर्वेंट्स के लिए एक कमरा देते थे। वो ऐसे स्ट्रगलर्स जो होते थे नाटक के लोग, जिनके पास कम पैसा होता था, तो वो हमको किराए पे दे देते थे। तो एक रूम लेके रहती थी और बस वहाँ खाना खाती थी और नाटक करती थी। तो ऐसे मैंने करीब 7-8 साल तक नाटक। सबसे पहला शो कौन सा था आपका? मैं अब नाटक तो मैंने बहुत सारे किए एनएसडी में आके, विद्या सुंदर करा, फिर चेरी ऑर्चर किया। रेपर्टरी में जब आई, और पहले तो मैंने क्राउड में शुरू किया था, हम लोग ये लोग उस टाइम मनोहर सिंह, उत्तरा बावकर, सुलेखा सीकरी, बहुत दिग्गज एक्टर्स थे, तो उनके हम लोग पीछे खड़े रहते धीरे धीरे, जैसे उतर एक युग जाता है दूसरा आता है। तो हम जब मैंने शुरू किया, मैंने पहला नाटक किया था ओथेलो, जर्मनी से डायरेक्टर आया था, जिसमें मैंने डेस्टेमोना का रोल किया था, नामदेव जी हैं उन्होंने ओथेलो किया था। उसके बाद मैंने किया था मित्रों मरजानी, जो कि बहुत, उससे मेरे को बहुत नाम मिला। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का साहित्य अकादमी विनिंग नॉवल है, जिसमें पहली बार हिंदुस्तानी महिला को इस रूप में प्रस्तुत किया। फिर ऐसे और भी कई नाटक थे, आज़र का ख्वाब,
और मैं आपको बताती हूँ, ये सब नाटक लेकर हम लोग ऑल ओवर इंडिया जाते थे, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपुटेड कंपनी थी। तो जब हम बम्बई आए तो जो डायरेक्टर थे कुंवर सिन्हा, उन्होंने मेरे चारों पांचों नाटक के जिनमें विभिन्न भूमिकाएं थी, प्रमुख भूमिकाएं थी, आजर, मित्रों और सूर्य की अंतिम किरण से, तो वो कोई एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे और उसके लेखक थे, उस टाइम एक ही चैनल था दूरदर्शन, तो वो ढूंढ रहे थे कोई एक्ट्रेस। उस टाइम भी लोग पूछते थे, तो उन्होंने मनोज श्याम जोशी जो उसके राइटर थे जिन्होंने हम लोग लिखा था, तो उन्होंने उन्होंने पूछा कि दिल्ली में कोई है एक्ट्रेस, उन्होंने बोला है तो एक हिमानी भट्ट शिवपुरी, लेकिन वो थोड़ी पागल है कि जब हम लोग बना रहे थे पहला शो, जब पहला सीरियल बन रहा था हम लोग, तो मेरे को उन्होंने चुटकी के रोल के लिए बुलाया था, और ये था कि हफ्ते में दो दिन आता था, दो दिन मैंने कहा, और एक एपिसोड पाँच दिन या छः दिन, तो मैंने कहा अरे बाबा मैं थिएटर तो कर ही नहीं पाऊँगी, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो मनोज श्याम जोशी ने कहा कि भैया उस टाइम तो उसने मना कर दिया था, पूछ के देख लो। सो उन्होंने मुझे देखा और मुझे रोल ऑफर किया देव की भौजाई का, तो वो रोल मैंने जब किया तो अचानक से मतलब सब लोग मुझे जानने लगे, क्योंकि एक ही चैनल था, कोई एक शो होता है जिससे लोगों को अचानक से पहचान। हाँ, तो देव की भौजाई मेरा कुछ लोग तो आज तक याद करते हैं देव की भौजाई, तो वो रोल से मतलब, अब मुंबई ऐसा शहर है कि आप अगर टैलेंट है तो टैलेंट को हाथों हाथ उठा लेता है, तो धीरे धीरे मुझे काम मिलना शुरू हो गया, जैसे कि सूरज बट जाते हैं जो मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी, वो हम आपके कौन थी, तो सूरज जी ने मेरा आजर का ख्वाब देखा, वो फिल्म तो सदाबहार है, लोग आज भी उसको पसंद आज भी उसको आज भी आती है तो देखते हैं, पसंद करते हैं। तो सूरज जी ने मुझे आजर का ख्वाब एक नाटक है बर्नर्ड शॉ के पिंगेले का, उसमें वो एक फ्लावर सेलर होती है फूल बेचने वाली, उसको बेगम बनाते हैं, तो उर्दू का डिक्शन कहाँ, तो बिल्कुल बल्ली मारा की भाषा है, झाड़ू पुटे वो सब करती थी, और कहाँ वो एकदम बेगम की तरह बन जाती है, एकदम खालिश उर्दू बोलती है। तो उन्होंने एक कैरेक्टर लिखा मेरे लिए, तो मेरे को बुलाया गया राजश्री में, कि उन्होंने बोला राज बाबू उस वक्त जिंदा थे कि हिमानी जी आप तो बहुत मेन रोल्स वगैरह करती आपके लाइफ में, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस देख के सूरज जी ने स्क्रिप्ट लिख चुके थे, आपके लिए कैरेक्टर ऐड किया उन्होंने। तो वो मैंने फिल्म करी, और वो फिल्म तो जैसा आपने कहा कि वो आज भी और राजश्री की तो दूसरी मूवी एक विवाह भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो हम आपके कौन एकदम हिट हो गई, और उसके शायद ट्रायल्स उसने देखे उदय चोपड़ा, अपना ये अपने चोपड़ा जी ने, आदित्य चोपड़ा ने, तो वो बना रहे थे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो मेरे को फ़ोन आया कि मैम आई एम यश चोपड़ा सन और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपके लिए रोल है। तो मैं वही सीधी सादी अल्लड़ देहरादून की लड़की, उस वक्त वो आ गया था जी टीवी, तो उसमें मेरा एक शो चल रहा था जो कि वो भी बहुत फेमस हुआ था, हसरतें, जो कि बहुत बोल्ड था कि एक औरत उसका पति थोड़ा सा उम्र में बड़ा है और वो तबलची के साथ भाग जाती है, तो वो अधांत्री जयवंत दलवी के उपन्यास पे आधारित है, तो वो मैं कर रही थी नूर बंगलो, एक बंगलो है बैंड्रा में, मैं इतनी सीधी सादी, मैंने कहा आली आई एम शूटिंग इन नूर बंगलो प्लीज़ कम देयर। अब मैं सोचती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने आदित्य चोपड़ा को मतलब वहाँ बुलाया, और ये उनकी ग्रेटनेस है कि वो आए भी और मुझे स्टोरी सुनाई इंटरवल तक, इन बिटवीन शॉट्स वो रुकते थे, तो मैंने कहा आली मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई, आई एम डूइंग योर फिल्म, फिर मैम योर रोल कम्स आफ्टर, क्योंकि पहला हाफ इंग्लैंड में है और दूसरा हाफ है पंजाब में, क्या आप आती हो, तो उस तरह से DDLJ हुई जो कि वो भी एक और हिट हो गई, और फिर क्या हुआ कि करण जौहर उनके असिस्टेंट थे, तो वो जब कुछ कुछ होता है बना रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैम आई हैव अ रोल फॉर यू, तो मैं वही पता नहीं किसी फिल्म की डबिंग कर रही थी, मैंने कहा
कारण अंतिम कम हो गए, तो ऐसे वो शुरू हुई। अच्छा, वो कौन सा सन था जब आप बॉम्बे आए थे? आई थिंक 90s था। आपने बहुत सारी फिल्में करी हैं, शायद बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी करे हैं। 200 से ऊपर फिल्में हैं और टीवी तो सीरियल। मैं अगर फिल्मों की और सीरियल्स की बात करूं तो अपनी ही फिल्म का या सीरियल्स का कौन सा वो डायलॉग है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है या आपका फेवरेट है? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मतलब आपका अपना फेवरेट तो कोई डायलॉग, कोई ऐसा डायलॉग फेवरेट नहीं है, मतलब क्योंकि मैं जो भी रोल करती हूँ पूरे मन से करती हूँ और वो मेरा फेवरेट होता है, तो हर डायलॉग, मतलब मैंने जो भी रोल किया वो प्रिय है। वो तो लोग डायलॉग को क्या बोलूँ, बहुत सारे डायलॉग बोले और इतने सारे, आप कुछ 200 से ऊपर और 50 से ज़्यादा शोज और नाटक में इतने, और अब फेवरेट तो यही कह सकते हैं, लोग तो याद करते हैं तो साड़ी वाला सीन भी दिए जाएगा, लेकिन आजकल तो वो बहुत फेमस हो रहा है कि मैं तेरे नींबू भी छोड़ दूंगी क्योंकि एनटीवी का बहुत ही ज्यादा चर्चित शो है, हाँ। भी उल्टन पलटन लोग बहुत पसंद करते हैं जी। और अभी रिसेंटली हमने योगेश त्रिपाठी के साथ बातचीत करी थी, रिसेंटली हम योगेश जी के साथ मिले थे, वो काफी तारीफ कर रहे थे आपकी। तो वो जो आपका एक, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा इस शो की शुरुआत कैसे हुई, ये शो कैसे मिला आपको? ये जो उनके वो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर थी विनायकर कोहली और संजय कोहली, इनके साथ मैं पहले काम कर चुकी थी। विनायकर का पहला शो मैंने किया था और संजय कोहली उस टाइम एक्टर थे, तो मैं इनको तब से जानती हूँ। और बीच बीच में जब शो हुए तो मेरे पास आते थे फोन और मेरे पास समय नहीं रहता था किसी वजह से, या तो फिल्म कर रही होती थी या कोई और शो। इस बार जब इस शो का ऑफर आया मेरे को हफ्तों की उल्टन पलटन का, तो मैंने इनका, और इनका मैं शो उस वक्त चल रहा था भाभी जी घर पर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसके राइटर और डायरेक्टर, तो मुझे पता चला वही राइटर वही डायरेक्टर, अब ये दूसरा शो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं हफ्तों की उल्टन पलटन। और जब मेरे रोल के बारे में मुझे सुनाया तो रोल बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे कटोरी, क्योंकि आजकल मतलब फिल्मों और टीवी का भी वही हाल है कि जो थोड़े से सीनियर एक्टर्स होते हैं और खासकर जो औरतें होती हैं उनके लिए ऐसा शो है जो लोगों से कनेक्ट हो पाता है। हाँ, क्योंकि वो हर उम्र के लोगों को, बच्चों से लेकर हमारी जो सीनियर सिटीजन है उस तक, और यंग भी है और मिडिल एज भी है हप्पू और उसकी वाइफ, तो पूरा परिवार आराम से, साधारण सा परिवार है आपस में, बहुत नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीके से पूरा परिवार एक तरह से। और मेरा जो कैरेक्टर कटोरी अम्मा का, उसके इतने आयाम है, मैं कहती हूँ कि मतलब एक तो वो छोटे छोटे बच्चों की दादी भी है, तो ममत्व है अपने हप्पू, उसका जो बेटा है दरोगा है, लेकिन अभी तक उसका इतना है कि उसका बेटा आता है कुछ गड़बड़ करता तो धार उसको जड़ देती, कहती नास पीटे, और वो सुनता भी है, वो आके रोज अपनी माँ की, मतलब हिंदुस्तानी संस्कार भी अपने माँ के पैर भी छूता। अच्छा, और सास और बहू की एक नोकझोंक भी चलती है, और जो मेरे पति करते हैं सबसे ज्यादा, हाँ, मेरे पति जो है वो एक्चुअली मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हर रात आकर हमारी रोमांस चलता है, तो कितने सारे लेयर्स हैं, तो उसको करने में बड़ा मजा आता है। तो आई वॉज वेरी टेम्प्टेड, और जब इसकी शुरुआत हुई, मैं आपको पूछ रहा था शुरुआत, तो मुझे शशांक जी जो डायरेक्टर, उन्होंने बोला भी आपने हप्पू से योगेश से बात की है, तो योगेश की भाषा थी ये, उसी ने ये कैरेक्टर बुंदेली वो वहाँ का है, तो उसकी भाषा थी, और वो जो हीरोइन उस वक्त थी, अभी तो उसको रिप्लेस और चेंज हो गई, वो कामना, उसकी भी वो भी मध्य प्रदेश से थी, तो इन दोनों की भाषा थी। तो मुझे शशांक जी ने बोला, हिमानी जी आप तो हिंदी बोल लीजिए, क्योंकि जो आपके हस्बैंड प्ले करे वो तो हिंदी बोल रहे। मैंने कहा नहीं शशांक जी, ऐसे नहीं है कि मतलब अगर वो मेरा बेटा बोलता है इसका मतलब मातृभाषा बोल रहा है, तो मुझे तो आनी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने मेहनत करके बुंदेली मैंने भी सीखी और बोली, तो उसका भी अपना मजा है बुंदेली भाषा में एक्टिंग करना, क्योंकि हम लोग इतने कैरेक्टर्स करते, तो जब कोई कैरेक्टर आता है तो उसको क्या चैलेंज है उसमें, तो ये उनमें से। अच्छा, एक ना आपके ऑडियंस बहुत सारे जितने भी आपके लोग चाहने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि जब आप शो में पीते हैं, दारू पीते हैं, वो क्या बोतल में, उस बोतल में एक्चुअली क्या होता है? पानी होता है, शरबत होता है, क्या होता है? कुछ भी होता है, पानी होता है बिस्लरी का, मतलब क्योंकि मतलब काम करते हुए तो कभी भी ये नहीं कर सकते जी, जी। और वो नहीं, वो तो सभी जानते हैं कि इट्स अ एक्टिंग, वो सिर्फ लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि एक्चुअली बोतल में होता है क्या, जूस होता है या फिर पानी होता नहीं, है? जूस तो नहीं होता, कभी कभी अगर कभी कभी प्रोडक्शन खुश हो जाता है तो नारियल पानी डाल देते हैं उसमें जी।
अच्छा एक चीज बताइए कि जब शो में आप काम कर रहे होते हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके साथ काम कर रहे होते हैं और काम करते करते बहुत लंबा समय हो जाता है, तो जब भी कोई कैरेक्टर रिप्लेस होता है तो आप एडजस्ट हो पाते हैं, मतलब एक नए आर्टिस्ट के साथ? तो होती है क्योंकि क्या, क्योंकि ऑडियंस भी जब शो देख रही होती है ना, तो उसको भी थोड़ा सा कनेक्ट करने में समय लग जाता है, हमको भी, क्योंकि एक आदमी के साथ आप काम कर रहे हैं, को एक्टर के साथ, तो एक ट्यूनिंग बन जाती है, एक वेवलेंथ बन जाता है कि वो ऐसे बोल रहा तो आपका ये रिएक्शन आएगा, और जो कोई नया व्यक्ति आता है तो नेचुरली वो एक अलग है, उसकी अपनी ऑरा होता है, उसके अपना बोलने का तरीका होता है, उसकी अपनी टाइमिंग होती है, तो समय तो लगता है लेकिन धीरे धीरे वो भी रच बच जाता है अपने किरदार में और हम भी एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टिंग एक्टिंग में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। अच्छा हप्पू की उल्टन पल्टन ये जो शो है इसकी बात हो ही रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जब शो की बात हो रही है तो वो जो डायलॉग है ना आपका कि नास पीटो और नींबू निचोड़ दूंगी, वो हमारे दर्शकों के एक बार मतलब थोड़ा सा नास पीटे, हम तब से तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे और तुमने आके हमारा इतना समय खराब कर दो, ऐसा कभी करो ना आगे जाके तो हम तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे। क्या बात, मतलब इस चीज को तो पूरे शो में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा मिमाली जी मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि मुंबई चकाचौंध भरी है, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में पहले तो आप कितना अंतर समझते हैं, और दूसरा मैं ये समझना चाहूंगा मुंबई में लाखों करोड़ों लोग अपना सपना लेकर यहाँ पर एक्टिंग के लिए और काम करने आते हैं और बहुत सारे लोग हार मान के गिव अप मतलब पीछे हट जाते हैं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहोगे अपने साइड से? जो लोग इतने सारे सपने लेके आते हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपने सपने को छोड़िए मत, और मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं, आपको अपने में विश्वास होना चाहिए, अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी आदमी ने, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आप मैं हूँ, एकदम से कुछ नहीं मिल जाता, आपको स्ट्रगल पीरियड तो बिताना होगा, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे कोई भी हो, धर्मेंद्र जी भी गांव से आए थे लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और फिर चांस मिला, आपकी डेस्टिनी भी मैटर करती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत सारे साल बीत जाए और अगर आपका मन आपको कहता है कि भाई अब नहीं हो सकता, तब जरूर लौटिए, मन मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, मन की बात सुनिए भाई, हमने तो अपने मन की बात सुनी, आप भी अपने मन की बात सुनिए और अपने पे विश्वास रखिए। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में आप कितना अंतर समझते हैं? रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, मतलब मैं अगर आपकी ही बात करूं तो आप रियल लाइफ में और रियल लाइफ में सेम वैसे ही हैं? बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अलग हूं, बल्कि लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब मैं सब्जियां लेती हूं या राशन, तो मुझे कहते हैं क्या आप सब्जी खरीद रही, तो मैंने कहा क्यों, मैं एक माँ हूँ, मेरा गृहस्थी, आई एम अ वर्किंग वुमन, मैं घर की गृहस्थी चलाती हूँ, तो सब्जियाँ कौन खरीदेगा, मैं ही जाके देखूंगी कि कहाँ टमाटर सही है, किसी को पैसे दे दूँ और वो ले आए, तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैं आज भी सब्जियाँ खुद खरीदती हूँ। और रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि हम एक किरदार करते हैं और जब वो सेट से निकलते हैं तो किरदार वहीं ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हिमानी शिफ्ट हो रही है, और ज़्यादातर मैंने हर तरह के रोल किए, दैट वे आई एम वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा आपने रोल्स को लेकर बात करी है, जब आप कभी बाहर निकलते हो, जैसे आपने कहा सब्जी लेने आप जाते हो या कहीं भी बाहर आप जब जाते हो, तो लोग आपको उस कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, मतलब जैसे होता ना कि एक आप अभी हप्पू की उल्टन पल्टन कर रहे हो तो लोग आपको उसी नाम से बुलाते हैं? जैसी वो शुरू हुआ वो तो होता ही है कि जो कैरेक्टर आप करते हैं, जैसे जब देवकी भौजाई कर रही थी तो देवकी भौजाई, या जैसे कि डीडीएलजे की है, या ओ, हीरो नंबर वन वो भी बहुत हिट हुई थी, शन्नू बुआ, या जैसे कुछ लोग कहने लगे थे जब सलमान और ये गोविंदा ची आई, मतलब महाराष्ट्र में आप जाओ तो गोविंदा ची आई आ रही है, गोविंदा की माँ आ रही है या सलमान की माँ आ रही है, तो इस तरह का हो जाता है, या बुआ जी, या अभी आजकल जैसे कटोरी अम्मा, वो तो होता है, और वो आई थिंक एक एक्टर का एक कहीं उसका सक्सेस का मतलब ही वही होता है कि हर कैरेक्टर में ढल जाना, दार में ढल जाना। और वैसे अब लोग भी अब तो जानने लगे, क्योंकि मैंने एक किरदार के साथ होता है, लेकिन अब मैंने इतने किरदार किए तो लोग थोड़ा बहुत, कुछ लोग नाम भी जानते हैं, तो ये भी कहते हैं हिमानी जी, तो वो भी अपनी अलग बात होती है। अनूप जलोटा जी कहते हैं कि इंसान का जन्म लेना भाग्य की बात है और कलाकार
जब इंसान होता है तो वो सौभाग्य की बात होती है। तो मैं आने वाले अगर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी आपके प्रोजेक्ट हैं, ऑडियंस जो आपको पसंद करती है, कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं अभी जिनमें वो आपको देख पाएंगे? जी, अभी फिलहाल अभी इसी फ्राइडे को मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है दुकान, और ये मतलब OTT प्लेटफॉर्म पर है? नहीं नहीं, सिनेमा घर में रिलीज। सिनेमा घर में, ओके। और अब एक फिल्म एक और मेरी आने वाली है, वो है बिन्नी और फैमिली, और ये भी थिएटर रिलीज होगी शायद अगले महीने। और बस यही फिल्में करी हैं, क्योंकि इसके साथ बड़ा मुश्किल होता है, एक आप डेली सोप कर रहे हैं तो उसके साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो फिलहाल तो यही है, हप्पू के उल्टन पलटन चल रहा है, दुकान अभी रिलीज हुई और बिन्नी और फैमिली रिलीज हो गया। मुंबई में ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है ना शूटिंग्स के लिए, आपको जाना, मतलब बाप, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो हमारा जो सेट है वो नायगांव में है, तो अमूमन उसको 45 मिनट्स रहता है। बॉम्बे में कहीं भी आप जाएं तो 40-45 मिनट्स कहीं नहीं जाते, वो तो आपने देख लिया। लेकिन आजकल वो क्या कर सडनली हाईवे खोद डाला है, तो बॉम्बे में खुदाई तो चलती रहती है, हर सड़क को खोद डालते हैं। कल आप जिस सड़क से गुजरे सुबह उससे आए तो पता चला सब खुद गया है। उसके बारे में तो एक कहावत भी है जो कि मैं नहीं बोल सकती कि बॉम्बे में खुदाई चलती रहती है। तो अभी वो पूरा हाईवे अच्छा खासा था, उसका एक ब्रिज भी बन गया था, अब वो सडनली पूरा वो सीमेंटेड कर रहे हैं। तो मतलब इतना, मतलब 2 घंटे बीत गए, तो मैं तो अभी अपने वो सबको मैंने बोला भैया मुझे आखिरी सीन में तो मत करो, या मुझे अधबीर भैया के यहाँ जब तक सड़क बन जाए तब बोलो। 4-4 घंटे आप सोचो आपकी सड़क पे बीत रहे। कमला हसन जी थे ना, वो तो बम्बई छोड़ के इसीलिए चले गए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी आधी जिंदगी सड़क पे नहीं बिताना चाहता। बिल्कुल, बहुत ट्रैफिक होता है मुंबई में। आपने झेला ना? खैर दिल्ली में भी कम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो हद, बॉम्बे और मुंबई में, सॉरी मुंबई और दिल्ली में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ट्रैफिक का। और आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? मैं अपने फैंस को यही मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए, जब कोरोना जब आया था तब इंसान को हमको पता लगा कि सबसे बड़ी चीज़, जो बुजुर्ग कहते थे कि हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, कि इफ वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, लेकिन इफ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो अपने हेल्थ का भी, अपने सेहत का भी ध्यान दें और अच्छे इंसान बनिए और खुश रहिए। और हाँ, पर्यावरण का भी ध्यान दीजिए, पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये देखिए जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो ये सब कि हम पेड़ काट रहे हैं, सीमेंट इतनी है, इसलिए इतनी मतलब हीट वेव आ रही है, कहीं उत्तरांचल और नॉर्थ के एरियाज में रेन्स, मतलब पूरा ये जो है मौसम की वजह से। तो कृपया पेड़ लगाएं और पर्यावरण का ख्याल रखिए और अच्छे इंसान बने, और ये करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो नींबू निचोड़ दिए जाएंगे, खुद ही नींबू निचोड़ जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बिग बॉस आप फॉलो करते हैं? नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, पहला देखती हूँ। तो बिग बॉस से अगर आपको ऑफर आता है तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे शो में? बिग बॉस से मेरे पास 2-3 बार ऑफर आ चुका है, मैं नहीं गई, क्योंकि ये मुझे बड़ा, क्योंकि मैं डिफरेंट किस्म की, मुझे लगता है कि वो आपका प्राइवेट लाइफ अलग होनी चाहिए जी। और ये जो जितनी भी ये जो रियलिटी शोज है, अब तो सभी लोग जान गए कि ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं, जबरदस्ती लड़ाई करेंगे TRP बढ़ाने के लिए, और ऐसी हद पे भी उतर जाते हैं वो सब करने का। ऐसा मतलब भी माना जाता है, जब भी कोई बिग बॉस जीतता है, जितने भी अभी तक सीजन्स हुए हैं जिसमें बिग बॉस अगर कोई जीता है तो वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसा है। अभी अलविश यादव जो बिग बॉस के विनर रहे हैं वो अभी जेल होकर आए हैं उनके। तो मुनव्वर फारूकी बिग बॉस विनर रहे हैं, तो मुनव्वर फारूकी को भी जेल हुई है। तो ऐसा माना जाता है की कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं लोग। और एक चीज ये भी होती है कि जब आप बिग बॉस करते हो तो आपकी रियलिटी लोगों को ज्यादा, लोग आपको समझ पाते हैं। हाँ, तो, और ये इतना कुछ, और इतना लगता नहीं कि ऑडियंस को आपको इतना डिस्क्लोज करने की जरूरत है। नहीं, डिस्क्लोज की नहीं, क्योंकि देखो हम भी इंसान है, हमारी अपनी प्राइवेट लाइफ है, वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। हम जो किरदार करते हैं वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट चाहे वो रुलाए हंसाए, एंटरटेनमेंट में ही आएगा, तो हम वहाँ तक ठीक है। मतलब दिस व्हाट आई पर्सनली बिलीव, जैसे कुछ लोग जाते हैं, मैं किसी के, जिसका जैसा विश्वास है जैसा मन वो करना चाहिए। आई तो कैन नॉट सी माई सेल्फ डूइंग बिग बॉस, मतलब मैंने तो, मैं मतलब एक बार नहीं 2 बार भी मुझे ऑफर आया, लेकिन मुझे नहीं। जबकि लोग बोलते कि जाओ यार, उससे बड़ा नाम होता है, मैं कहा भैया इतना ही ठीक है, और मैं ऐसे ही सुखी है कि
थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं, बाकी हम जैसे मैं सीधी सादी, आई एम स्टिल अ मिडिल क्लास वूमन। बीच में आपको जब भी समय मिलेगा मैं आपको फरुखाबाद बुलाऊंगा, बिकॉज मैं खुद फरुखाबाद से बिलोंग अच्छा, करता हूँ। अच्छा। जैसे बनारस है ना, पंचाल घाट, सॉरी पंचाल नगरी, वैसे फरुखाबाद भी पंचाल नगरी है। अच्छा। माँ गंगा के चरणों में बसा फरुखाबाद बहुत खूबसूरत है, इतिहास भी उसका बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको बुलाऊंगा, और आप मुझे घूमने का, नई नई चीजें देखने का, जगह देखने का, अच्छे अच्छे खाना खाने का बड़ा शौक। मैं देखता हूँ आपके वीडियोस। अभी आप सिद्धि विनायक मंदिर गए थे, और अभी आप बनारस भी शायद बीच में जी, काफी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा।